हाय गाइस, आप लोग का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता कर ही लिए होंगे कि ये वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड है। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कॉफ़ी फेस मास्क। ये फेस मास्क आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा, एक हेल्दी ग्लो देगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा और आपके स्किन को डीप क्लीन करेगा और उसको मॉइस्चराइज रखेगा। एंड गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा इसके बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। कॉफ़ी फेस पे डायरेक्ट यूज़ करने से सन स्पॉट, रेडनेस और फाइन लाइन्स कम होती है। तो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है हनी। मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हनी ले रही हूँ। हनी एक्ने को क्लीन करता है, स्कार को हील करता है और स्किन टोन को लाइटन करता है, स्किन मॉइस्चराइज करता है और आपके जो ड्राई डल स्किन है उसको रिड्यूस करता है। देन हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बेसन। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ। बेसन में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो आपके स्किन से डर्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करता है एंड आपके स्किन टोन को लाइटन करता है। एंड हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है लेमन। मैं यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन में हुए डैमेज को रिड्यूस करता है एंड ड्यू टू हाई पीएच लेवल लेमन हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। एंड हमारा 5th इंग्रेडिएंट है कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड्स, कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन होता है जो रिंकल्स, एजिंग को कम करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है एंड सॉफ्ट बनाता है। फेस को सोप या फिर फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। स्टीम लेने के लिए आप गुनगुने पानी में टॉवल को डाल दीजिए और सारे पानी टॉवल से निकाल लीजिए और 2 मिनट तक अपने फेस पे रखिए और 2 मिनट के बीच में आपका टॉवल ठंडा हो जाता है तो आप यही प्रोसेस फिर से रिपीट कीजिए 2 मिनट तक। फिर इसमें आप 1 टेबलस्पून कर्ड ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर आप हैंड के हेल्प से या फिर ब्रश के हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे लगाइए अपवर्ड मोशन में। आप चाहे तो अपने नेक एरिया में भी इसे लगा सकते हैं। फेस मास्क को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। इसे ड्राई होने के लिए 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे। फिर आप अपने हैंड को पानी से गीला कर लीजिए और सर्कुलर मोशन में 1 मिनट तक अपने फेस को मसाज कीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए।
एंड वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना मत भूलिएगा। गाइस, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी आप अपने हैंड पे एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा इसे फेस पे यूज करने से पहले। अगर आपका फेस बहुत डल हो चुका है, ड्राई हो चुका है, उसमें कोई शाइन नहीं बची है, तो आप उसी वक्त इस फेस मास्क को बना के लगा सकते हैं और रिजल्ट्स आपको कुछ ही मिनट में आपके फेस पे दिख जाएगी। आप इसे वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो एक हेल्दी स्किन के लिए और आपके स्किन में जो डैमेज है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड गाइज, एक और बात, मैं कोई भी वीडियो स्किन केयर से या हेयर केयर से रिलेटेड लाती हूँ और जो इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली वर्क करता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मैं उस इंग्रेडिएंट को खुद पे यूज़ करती हूँ और उसके बाद उस पे वीडियो बनाती हूँ। एंड आप मेरी कोई भी रेमेडी ट्राई कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दैट आई एम ट्रू एंड यू कैन ट्रस्ट मी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और मेरे दिए गए कंटेंट आपके काम आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।